हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर वन सब्जेक्ट बायोलॉजी, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। अर्लियर वीडियो में आपने पढ़ा था अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंट पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इरिगेशन। जो हम वाटर सप्लाई करते हैं, इट इज़ अ नेसेसरी फॉर प्लांट। तो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होती है। अब सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के सोर्सेज रेन, वेल्स, ट्यूब वेल्स, लेक्स, रिवर्स, कैनाल्स एंड डैम्स। अर्लियर टाइम में फार्मर सिर्फ मॉनसून पर डिपेंड रहता था। टुडेज द डिफरेंट इरिगेशन सोर्सेज वी विल यूज। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन सम पार्ट ऑफ कंट्री, some modern methods techniques we are using like sprinkle irrigation and drip irrigation system। हमारी बुक के अंदर पिक्चर्स दिए हुए हैं जिन्हें आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिसेस इज रिमूवल ऑफ वीड्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि वीड्स क्या होते हैं और उन्हें रिमूव करना क्यों आवश्यक है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स that grow along with the crops। अब ये जो मेन क्रॉप्स होती है उसके साथ ग्रो हो जाते हैं और क्या करते हैं, दे कॉम्पैक्ट विथ क्रॉप प्लांट फॉर न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये मेन क्रॉप के लिए कॉम्पैक्ट कर देते हैं। दस अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, सो इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम क्रॉप फील्ड। Now, what technique of the removing of weeds? It is weeding. Weeding, the removal of weeds, weeds को remove करने की जो technique है, it can be done by manually, by hand, using khurpa, or by using chemical substances. That chemical substances are called weedicides. The next agricultural practices is harvesting. अब हमारी crop complete mature हो गई है, तो the method of cutting of crops after maturity, it means जब crop matured हो जाता है तो जो उसको काटने का time होता है उसे हम बोलते हैं harvesting. Harvesting is done by manually, by using a hand sickle or by machines called threshers and combines. So these are the machines we can use. The last agricultural practice is storage. अब सबसे important होता है जब हमने crop को harvest कर लिया, cutting कर ली, उसके बाद उसको stored करना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी crops ऐसी होती हैं जिनमें moistures बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम उनको stored proper नहीं करेंगे तो वो ख़राब हो जाती है। तो आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप प्रोडक्ट्स हैज़ टू बी स्टोर्ड प्रॉपरली सो दैट दे कैन बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम कैसे स्टोर्ड करते हैं? द फ्रेश क्रॉप कंटेन मॉइस्चर। जैसे आप लोग कई बार देखते हो कि आपके घरों में योर मदर्स है ना, कभी कभी धनिया है, मेथी है, उसको सन के अंदर ड्राइंग करते हैं, उसका मीनिंग क्या हुआ, उनका मॉइस्चर निकल जाता है। तो मॉइस्चर कैन बी रिड्यूस बाय ड्राइंग और हम जनरल मेथड यूज़ करते हैं सन ड्राइंग। स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट्स आर पैक्ड इन स्टोरेज बीन्स। हम लोग भी घरों में स्टोरेज बीन्स का यूज़ करते हैं। इन आवर कंट्री फार्मर्स स्टोर the food grains in jute bags. Large scale storage of grain is done
इन सिलोस एंड ग्रेनरीज। ये सारा हमने पढ़ा अबाउट द प्लांट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कुछ छोटा सा पार्ट इस चैप्टर में और हम देख रहे हैं, एनिमल आर ऑल्सो सोर्स ऑफ फूड, द फूड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स प्रोवाइड वेरियस काइंड ऑफ फूड लाइक मिल्क, मीट, एग, हनी एट्सेट्रा। अब कीपिंग ऑफ एनिमल्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस इज नॉन एज डोमेस्टिकेशन एंड इन दैट अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट वर्क इट इज एनिमल हस्बेंड्री। दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस बायो इज कंप्लीट। आई होप यू लर्न द चैप्टर वेरी नाइसली। थैंक्स।